केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रभारी जी कृष्ण रेड्डी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के पास इन चुनावों में अलगाववाद व आतंकवाद या विकास और शांति चुनाव के दो विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव एनसी कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ एक आंदोलन है जो अत्याचार और अलगाववाद को पुनर्जीवित करना चाहता है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक के रिकवरी हेल्पर्स का पिछले 20 दिनों से वेतन जारी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से लगा रहे इंसाफ की गुहार। जम्मू की बेटी अर्शदीप कौर बनी मिस टीन टूरिज्म अर्थ 2024। फिलीपींस में हुए इस मुकाबले में अर्शदीप कौर ने किया भारत व जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। चुनाव से पहले बोले उमर अब्दुल्ला, हमारी हुकूमत आई तो हटा देंगे पीएसए कानून। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच 83 सीटों पर गठबंधन की सहमति बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह ये लड़ाई जम्मू कश्मीर रियासत के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हटा देंगे। पूंछ में सेना ने बरामद किया आईईडी, क्षेत्र को किया गया सुरक्षित, बीडीएस टीम मौजूद। बता दें कि शुक्रवार को लगभग 12:20 पर भारतीय सेना बालाकोट से सोनागली एलओसी क्षेत्र तक बाढ़ ड्यूटी पर तैनात थी। एक नियमित गश्ती दल ने बाढ़ पर पथरी गली में बारिश के कारण रास्ते में गिरने वाले एक बारूद सुरंग देखी। गश्ती दल ने क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और सेना बीडीएस टीम 323 ब्रिगेड मेंडर को बुलाया, क्षेत्र को चिन्हित कर सुरक्षित कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले भाजपा को झटका, सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा में विरोध देखने को मिल रहा है। टिकट वितरण को लेकर जम्मू कश्मीर में भाजपा के भीतर एक और विद्रोह उस दौरान देखने को मिला जब पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की और निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी। अपनी पार्टी ने जारी की 24 उम्मीदवारों की सूची, अलता बुखारी छानपुरा से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपनी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 25 सितंबर को दूसरे और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अब छानपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पड़ोसी देश पर बरसे जयशंकर, बोले अब बातचीत का युग समाप्त। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है और ये उसी के कर्म में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हमें उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध तो रखेंगे लेकिन अपने हित भी देखेंगे।